सेवन कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स हम लोग दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल किया और आपको देखेगा स्केल वाइज कि दिल्ली का सबसे बड़ा फेस्टिवल बन गया। इतना क्राउड दिल्ली में एक ही जगह में कहीं नहीं, इट्स द हाईएस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल इन वन प्लेसिंग। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल लास्ट दो साल में हम लोग कोविड के समय जुड़ी, लास्ट टाइम हम करने वाला था दिसंबर में, उस समय ओमिक्रॉन का बड़ा झटका आया और हमने लास्ट टाइम कैंसिल कर दिया। गुवाहाटी में हमने किया डिजिटली लास्ट दो साल। एंड इफ यू सी सम पिक्चर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, ग्लिम्पसेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मैं दिखाना पसंद कर रहा हूँ। पांच राज्य एक कॉमन फेस्टिवल, एंड नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इज नॉट ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट, इट इज फॉर दिल्ली। तो इसीलिए लास्ट फ्यू ईयर्स में पंजाबी हरियाणा वेरियस क्राउड्स अक्रॉस दिल्ली वेरियस कम्युनिटीज हैज पार्टिसिपेटेड इन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। इट्स अ वेरी कलरफुल फेस्टिवल। यहाँ में क्राउड का यू सी वहाँ क्राउड का ऐसा सिचुएशन होता है, फूड स्टॉल होता है, पूरा दिल्ली वाला दिल्ली का जनरल क्राउड लाइक भर जाता है। तो कुछ फैशन शो होता है, म्यूजिकल शोज होता है, क्राफ्ट का एग्जीबिशन होता है, ये सब का क्राउड आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस के साथ हम कुछ कैंपेन्स करते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ही मेनली दे लुक आफ्टर द इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड रेशियल एंगल। सो दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट सेल्फ के साथ मिलकर हम लोग कुछ क्विज कॉम्पिटिशन कर रहा है नॉन नॉर्थ ईस्ट पीपल के लिए। नो योर नॉर्थ ईस्ट नाम का एक कैंपेन सीरीज ऑफ क्विज कॉम्पिटिशन हैज बीन ऑर्गेनाइज। मीडिया में थैंक्स टू यू नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का इतना बड़ा हो गया बिकॉज ऑफ दिल्ली मीडिया। हम लोग एक ट्रस्ट है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेन एनिमल्स ये नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट। हमने शुरू किया था, हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। हम लोग शुरू किया था टू मेक पीपल नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट, लेकिन लास्ट इतना साल में इतना बड़ा स्केल में हुआ ओनली बिकॉज ऑफ मीडिया। पहले आया हुआ तो कितनी ग्रेटिशन एंड ग्राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द मीडिया पीपल। हमारा आपसे हमारा ट्विटर करना हम देना चाहते हैं, वी आर सो आर ग्रेटिट्यूड टू मीडिया। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इतना फेमस हुआ बिकॉज ऑफ मीडिया, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है होर्डिंग लगाने का, हमारे पास पैसा नहीं है न्यूज़पेपर ऐड देने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है ये जो कैंपेन जो होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं थ्रू मीडिया हम मैसेज को कन्वे किया और मीडिया ने इतना एबीसी सॉन्ग द न्यूज़ ये पूरा सभी न्यूज़पेपर्स ये ऑलमोस्ट सेकंड पेज दिल्ली टाइम्स हिंदुस्तान वेरियस पेपर्स का फर्स्ट पेज में भी आया था। ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये मीडिया कैंपेन से इतना बड़ा अवेयरनेस बन रहा है। और पहले नैरेटिव था अल्फा एन एस सी एन, सभी नॉर्थ ईस्ट का आइकॉन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल से एसोसिएट होना शुरू कर दिया। एंड टूरिज्म इसमें इतना कलरफुल होता है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, फॉरेन टूरिस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट ज़्यादा यहाँ पे आता है और आके वो लोग यहाँ का एंजॉय करते हैं। तो इस बार मैं वीडियो दिखा सो एक शॉर्ट वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के बारे में, इसको आइडिया मिलेगा कि कैसा है और इस बार क्या है। वीडियो हमारा खुद का वीडियो है, हमारा कंटेंट नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का है। देख के आपको पता चला होगा लास्ट फ्यू ईयर्स में कितना स्केल तक नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हुआ है। एवरी एडिशन हमारा 1,00,000 आदमी आता है और एज आई मैंने आपको दिखाया थैंक्स टू मीडिया पूरा मीडिया में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आता है। एंड इसमें नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही हुआ है कि नैरेटिव चेंज हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का पॉजिटिव साइड दिल्ली में आया है और रेशियल अटैक कम हो रहा है। 2013-14 में इफ यू रिमेंबर ए बॉय कॉल्ड नीदू टानिया वाज किल्ड अरुणाचली, उसका हेयर स्टाइल अलग था एंड ही वाज किल्ड। इसके बाद कॉन्टिन्यूसली कुछ रेशियल इशू दिल्ली में होता था और धीरे धीरे ये बहुत कम होते होते इट हैज रिड्यूस सब्सटेंशियली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन लॉट ऑफ इनिशिएटिव एंड नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आल्सो प्लेड ए रोल इन रिड्यूसिंग
the ratio edition. So 10th edition of North East Festival, 10 din bada din ke baad Jawaharlal Nehru Stadium New Delhi गेट नंबर 14 जो जेरेन स्टेडियम का है उसके बाहर जहाँ में जो ग्राफ फेस्टिवल होता है हॉर्न ओके फेस्टिवल दैट हैज बिकम अ वेरी पॉपुलर फेस्टिवल बन पहले हम लोग IGHC में किया था इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट अभी उसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो गया है जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जरा एक्सपेंसिव वेन्यू है वेन्यू देने में हमको बहुत पैसा देना पड़ता है बट दिल्ली का एलिट क्राउड दिल्ली का पॉपुलर पीपुल मीडिया पीपुल वहाँ जाता है तो इसीलिए हमारा ऑडियंस वही है हम लोग का ऑडियंस दिल्ली क्राउड्स हमारा ऑडियंस है टूरिस्ट हमारा ऑडियंस है सो इस बार जरा पहले से जरा नैरेटिव चेंज हुआ बिकॉज कॉस्ट बहुत बढ़ गया है बट द कॉन्सेप्ट हम लोग इस बार ये कोशिश कर रहे हैं नॉट इज चेंज हो रहा है 2013 में जब हमने शुरू किया था दिल्ली गुवाहाटी का 2-3 फ्लाइट था आजकल 45 फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी दिल्ली टू आइजोल देयर डायरेक्ट फ्लाइट There's a direct flight to Delhi to Imphal, Delhi to Agartala. Every state has an airport. And Guwahati, aajkal country ka fifth busiest airport hai. In terms of Guwahati is busier than many metros. And Delhi sabse behtareen connectivity hai. So tourism, Delhi, in a concrete jungle se North East, in a zabardast location hamara paas hai. To objective is bar hum tourism ko highlight karna chahte hain. नमस्कार मेरा नाम श्याम कानू महंत मैं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर हूँ आप लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2013 से शुरू हुआ था दिल्ली में रेशियल अटैक बहुत हो रहा था उस समय हम लोग शुरू किया था दिल्ली को दिखाने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट क्या है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है वेरी प्राउड इंडियंस तो हम लोग शुरू किया था और 13 जवाहरलाल इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स में हुआ था IGHC में 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सात साल में इतना पॉपुलर हो गया नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल दिल्ली का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल बन गया एवरी एडिशन में 1,00,000 आर्मी आना शुरू हुआ और अभी रेशियल अटैक भी बहुत पहले से बहुत कम हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव के कारण और नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का भी इसमें फोर्ट है और इस बार नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल लास्ट 2 साल कोविड के कारण नहीं हुआ था इस बार 23, 24, 25, 26 क्रिसमस टाइम में हम लोग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कर रहे हैं इंदिरा गांधी में नहीं कर रहे हैं पहले इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर पर आर्ट्स पर था इस बार उसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो रहा है इस बार हम लोग कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गेट नंबर 14 के बाहर ये जेएलएन स्टेडियम का वहाँ में जो ग्राफ फेस्टिवल होता है हॉर्न ओके होता है पॉपुलर फेस्टिवल दिल्ली का वहीं होता है और हम लोग का होगा 23, 24, 25, 26 दिसंबर और स्केल वाइज दिल्ली का सबसे बड़ा फेस्टिवल होगा इसमें अराउंड 500 आर्टिस्ट नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है डांस फॉर्म्स होगा नॉर्थ ईस्ट का ड्रामा फॉर्म्स होगा फूड होगा 60 फूड स्टॉल होगा सो दिल्ली का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल होगा इसमें नॉर्थ ईस्ट का 40 फूड स्टॉल्स आएगा और दिल्ली का भी नॉर्थ इंडियन फूड का 20 स्टॉल रहेगा वेजिटेरियन का सेपरेट फूड होगा सो फूड वाइज सबसे बड़ा फेस्टिवल होगा म्यूजिकली 30 म्यूजिकल बैंड परफॉर्म करेगा बहुत फेमस रैपर लोग आ रहा है रॉक बैंड्स आ रहा है हिप हॉप आर्टिस्ट आ रहा है डीजेज आ रहा है और क्रिसमस में जो ठंड मौसम में गर्मी हो जाएगा उसमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गेट नंबर 14 के बाहर दिल्ली वाले जबरदस्त फैशन शो म्यूजिकल शो होगा और फैशन शो होगा इसमें एग्जोटिक प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा बहुत प्रोडक्ट आएगा भूत जोलिका से लेकर एलिफेंट एप्पल लेमन से लेकर सभी प्रोडक्ट आएगा नॉर्थ ईस्ट से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आएगा फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट आएगा 200 स्टॉल होगा प्रोडक्ट का बाकी आर्ट का एक जबरदस्त एग्जीबिशन होगा B2B मीट होगा और भारत का पर्यटन मंत्री आएगा सीनियर वो चीफ गेस्ट रहेगा बाकी सब भी आएगा तो दिल्ली वालों से यही मैसेज है कि क्रिसमस में आप आइए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गेट नंबर 14 23 तारीख सुबह 11 बजे शुरू होगा रात 10 बजे तक कंटिन्यूस 3 दिन म्यूजिकल प्रोग्राम होगा 23, 24, 25 और ठंड के मौसम में दिल्ली का सबसे बड़ा फेस्टिवल आपको देखने मिलेगा सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल मिलेगा सबसे बड़ा म्यूजिकल फेस्टिवल मिलेगा साथ में आप प्रोडक्ट खरीदने का मौका मिलेगा और इसमें ऑनलाइन आप टिकट खरीद सकते हैं और इनसाइडर में पेटीएम में आप खरीद सकते हैं डिटेल आप लोग देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मानने से आपको पता चल जाएगा सब कुछ आप सभी को निमंत्रण है और वही लिमिटेड प्राइस्ड है सभी आ सकते हैं एनीबॉडी कैन कम और आइए और एंजॉय कीजिए नॉर्थ ईस्ट समझिए नॉर्थ ईस्ट को आप नॉर्थ ईस्ट नहीं गया है आप कैसे नॉर्थ ईस्ट है कितना स्टेट है हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है मणिपुर क्या है ये सब देख आप दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट का मजा ले सकते हैं आप सभी को निमंत्रण सर कौन कौन से मिनिस्टर्स के इन्वॉल्वमेंट है इनॉग्रेशन में टूरिज्म मंत्री आएगा किशन रेड्डी साहब और कल्चर मंत्री है बाकी सोनोवाल साहब आएगा सर्वानंद सोनोवाल किरण रिजिजू साहब आएगा चीफ मिनिस्टर लोग आएगा और बाकी पीयूष गोयल साहब भी हमने बुलाया है ठीक है सर थैंक यू वेरी मच
चलो।